जो है सो कि तेजस्वी जी को एक न एक दिन तो मुख्यमंत्री बनना ही है, जनता की चाहत है, ये सब लोग समझते हैं इस बात को। वो समय कब तक आएगा कुछ? अब देखिए, अब ये दोनों आदमी का मामला है, शीर्ष नेतृत्व का मामला है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों आदमी का मामला है। ये दोनों आदमी इतना जरूर महसूस कर चुके हैं कि बिहार की सेवा युवा तुर्क नेता तेजस्वी यादव कर सकते हैं, ये दोनों आदमी का इशारा हो चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में किन मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो लोकसभा के चुनाव के मैदान में जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ इंडिया जो बना है उसकी ताकत कैसे बढ़ेगी और किन मुद्दों पर बातचीत होगी जनता के बीच में, जनता की अदालत में किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी को हराने की अपील की जाएगी, इन तमाम चीज़ों पर हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने बात की है बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी से और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आप। जो है सो कि तेजस्वी जी को एक न एक दिन तो मुख्यमंत्री बनना ही है, जनता की चाहत है, ये सब लोग समझते हैं इस बात को। समय कब तक आएगा कुछ? अब देखिए, अब ये दोनों आदमी का मामला है, शीर्ष नेतृत्व का मामला है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों आदमी का मामला है। ये दोनों आदमी इतना जरूर महसूस कर चुके हैं कि बिहार की सेवा युवा तुर्क नेता तेजस्वी यादव कर सकते हैं, ये दोनों आदमी का इशारा हो चुका है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में लगातार आपराधिक गतिविधि जो है बढ़ती जा रही है, आप यहाँ के मंत्री रह रहे हैं, विधि व्यवस्था खराब हो रही है यहाँ की, किस कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपराधिक गतिविधि थोड़ा बढ़ गई है तो क्या कहते हैं कि अपराध पर नकेल भी कसा जा रहा है पूरी मजबूती के साथ। आपने देखा है कि किस तरीके से अपराधियों को शिकंजा में लिया गया है और एकाध लूट की भी घटना हुई है, तो हमको लगता है कि पहली बार हमको संज्ञान में आया है कि लूट की पूरी राशि बरामद कर ली गई है पूरे गिरोह का। तो अगर घटनाएं हो रही है तो कार्रवाई भी जो है पुलिस प्रशासन के रूप से समुचित रूप से की जा रही है। अच्छा, चंद्रयान का जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया है, अब इसको बीजेपी जो है चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है। देश की जनता जान रही है कोई चीज एक दिन में संभव नहीं होता है, वर्षों वर्षों से इसरो का गठन बहुत पूर्व हुआ था और हम वैसे लोगों को जो है सो कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने इसरो का गठन किया और लंबे समय के बाद आज हमारा देश जो है सो गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरी दुनिया में हमारी देश की ख्याति बढ़ी है कि जो है सो कि चांद पर भी जो है सो कि हमारे वैज्ञानिक पहुंच गए हैं, वहाँ की सारी गतिविधि को भी जो है सो कैमरे के माध्यम से कैद कर करके देश और दुनिया को बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए उससे जुड़े हुए तमाम वैज्ञानिकों हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी के जो कुछ विधायक है वो कह रहे हैं कि महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए सिर्फ वो अपना बाजा बजाती है, विकास का कोई काम नहीं करती है। महागठबंधन के साथ तो मुद्दा ही मुद्दा है, कैसे नहीं मुद्दा है? इन लोगों जो मुद्दा दे करके आए थे देश में, स्थापित हुए थे कि हम बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, हम किसानों को मूल्य का 4 गुना वृद्धि देंगे, ये सब तमाम मुद्दाएं जो है सो जो है धरी के रह गई, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गया।